शेयर में आप लोग इसको जो मैंने असाइनमेंट भेज सेंड किया था, मैंने आंसर शीट नहीं सेंड किया था क्योंकि मैं ये चाहता था कि आंसर शीट अगर दे के करोगे तो क्या होगा कि जरूरी नहीं कि आपका जो लॉजिक है वो सही ही हो। कभी कभी आंसर सही हो जाता है लेकिन लॉजिक हमारा गलत गलत हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। तो कुछ क्वेश्चन आप साथ में करो, इसलिए मैंने इसका शीट भेजा था। 3 क्वेश्चन हमने कर चुके थे लास्ट क्लास में, आप चौथा कीजिए। आपको 1 मिनट का टाइम मिलेगा, उसके बाद मैं बता दूंगा। 1 मिनट में आपको मैं बता देता हूँ। ऑल टेबल्स आर चॉक्स, सारा टेबल चॉक है। ऑल चॉक्स आर चेयर्स, सारा चॉक्स क्या है? चेयर, आपका चेयर्स है, कुर्सी है। बतानी है ये कि दो आपका कंफ्यूजन है। ऑल चेयर्स आर टेबल, सारा चेयर टेबल है, और ऑल टेबल्स आर चेयर। और इसके ऑप्शन के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ओनली वन अगर होगा तो आप ए देंगे, सिर्फ अगर सेकंड होगा तो आप बी देंगे, दोनों में से कोई एक होगा लेकिन आप श्योर नहीं कर सकते तो सी देंगे, दोनों में से कोई भी नहीं है तो डी देंगे, और दोनों ही होता है तो आप ई देंगे। ये आपका ऑप्शन है सब क्वेश्चन के लिए, ये आपका ऑप्शन है, आप इसको नोट कर ले। खाली पहला सही है ए, खाली दूसरा सही है बी, ये तो आसान है याद रखना है। दोनों में से कोई एक सही है तो सी, दोनों ही गलत है तो डी, और दोनों ही सही है तो ई। आपका एग्जाम हो सकता है कि एक एक कम कर दे, आपको खाली 4 ही ऑप्शन मिले। अब आप इसको करें 1 मिनट में। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं आप। आंसर टाइप करें। मैं चेक करता हूँ आपने आपके आंसर दिया, बी दिया आंसर। ओके, अगर कोई ऐसा हो जिनको लगता है कि बी सही नहीं है वो मैसेज कर सकते हैं। सारे का आंसर बी है। मीनाक्षी जी बताइए बी क्यों आपने आपने चूज आपने बी क्यों चूज किया आपने? सर उसमें इसमें स्टेटमेंट दिया है ऑल टेबल्स आर चॉक्स, तो हम पहले सारी जो टेबल है वो चॉक तो है और जो सारी है वो टेबल्स हैं, लेकिन कंक्लूजन में क्या दिया है, सारी टेबल सारी चेयर जो है वो टेबल है, तो नहीं, कुछ टेबल ही जो है वो चेयर्स हैं और ऑल टेबल्स आर चेयर, मतलब कि जो सारी टेबल्स है वो चेयर हो सकती है लेकिन सारी चेयर टेबल्स नहीं हो सकती हैं, इसलिए बी ही होगा आंसर, क्योंकि ओनली टू चॉक्स सब ही होगा। इनके युक्ति से सहमत है, इनके लॉजिक से। इसमें सिंपल बताया है, बहुत आसान है। ऑल टेबल्स, ऑल जो होते अंदर रहता है, ऑल टेबल्स आर चॉक, तो ऑल टेबल इसको आप टेबल ले लो, आर चॉक्स तो इसको आप चॉक ले लो। सी के लिख दिया मैंने चॉक्स के लिए। एंड ऑल चॉक्स आर चेयर्स, इसके बाहर की तरफ जाएगा, ये चेयर बन जाएगा। अब डायग्राम देखिए, टी एच मतलब चेयर कर दिया मैंने। क्या बोला है कंक्लूजन में? ऑल चेयर्स आर टेबल, तो ऑल चेयर्स, चेयर्स के जितना पार्ट कॉमन है उतना पार्ट तो हो जाएगा, बाकी जो अनकॉमन है देखिए इतना पार्ट जो है ये आपका टेबल के साथ कॉमन है, लेकिन चेयर क्या, ये सब चेयर ही तो है जो टेबल नहीं है। तो जो पहले से बताया जा रहा है कि ऑल चेयर सब टेबल तो हो नहीं सकता, क्योंकि आपका मैं नंबरिंग करता हूँ 1, 2 और 3, जो पहला सर्कल है वो टेबल है, उसके बाहर टेबल है ही नहीं है, लेकिन चेयर तो उसके बाहर है ना। सेकंड सर्कल में जो है वो आपका चौक भी है, और इसलिए पहला
ऑप्शन जो है पहला से कंफ्यूजन में गलत है। ऑल टेबल्स आर चेयर, ऑब्वियसली कि टेबल अंदर है, तो ये सेकंड वाला सही है। भावना जी को किसने पूछा था कि समझ नहीं आया? प्रीति जी क्लियर हो गया? प्रीति जी होपफुली ओके। 5 नंबर क्वेश्चन, 5। सम ड्रॉल्स आर फ्लावर्स एंड सम फ्लावर्स आर बुक। एक मिनट में आपको देना है। बोथ रॉन्ग, आप एबीसीडी में डी बोलेंगे, डी बोथ रॉन्ग के लिए है। और किसे लगता है बोथ रॉन्ग है? मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से आ गया है। जिन जिन लोगों को नहीं आ रहा है तो वो मैसेज करे कि नॉट क्लियर, तो मैं ये समझ आऊंगा कि कितने लोगों को समझ आ रहा है और कितने लोगों को नहीं आ रहा है, और मैं उसके अकॉर्डिंग असाइनमेंट भी बनाऊंगा, आपको डिस्कस भी करूंगा। लेकिन आप मैसेज करें अपने उसका इस्तेमाल कर, यहाँ पे कोई गलत होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम सीखने के लिए ही यहाँ पर है। बिल्कुल ठीक, सही आंसर है। क्या दिया इसमें देखिए, सम गर्ल्स आर फ्लावर, ये बन जाएगा। सम गर्ल्स आर फ्लावर, तो ये गर्ल्स बन गए, फ्लावर बन गया। सम फ्लावर्स आर बुक, तो सम फ्लावर आर बुक ऐसा भी बन सकता है, ये एक डायग्राम संभव है और दूसरा डायग्राम ये भी संभव है। ऐसे कर दिया, ये कर दिया, ये आपका गर्ल्स हो गए, ये फ्लावर हो गए और ये बुक हो गए। एक एक डायग्राम और भी पॉसिबल है। तो क्या बोला इसमें, सम गर्ल्स आर बुक, सम गर्ल्स आर बुक, ये तो हो नहीं सकता, यहाँ आपका आपका सम ये बुक होगा। तो गर्ल्स, आप देखो कि पहला जो सर्कल है ये गर्ल्स के लिए है, सेकंड सर्कल फ्लावर के लिए है, थर्ड सर्कल क्या है आपका बुक्स के लिए है। कोई कुछ कॉमन इसमें है ही नहीं है, इसमें कॉमन है सेकंड वाले फिगर में। लेकिन मैंने बताया था कि अगर एक भी फिगर में आपका ऐसा आता है कि कंक्लूजन रॉन्ग है, तब रॉन्ग मानोगे इसको। नो बुक इज फ्लावर, क्योंकि इंडिया से, और नो बुक इज फ्लावर ये भी हम नहीं कह सकते कि, क्योंकि कुछ बुक तो फ्लावर है ही ना, ये पार्ट तो कॉमन है, तो इसलिए क्या होगा, दोनों गलत होंगे। एक्सप्लेन कर दिया मैंने दोनों के लिए ही, दो फिगर बनेंगे इसमें, डायग्राम बना के मैंने जी एफ बी कर दिया, जी मतलब गर्ल्स, एफ मतलब फ्लावर और बी मतलब आपका बुक्स हो गया। तो पहले फिगर में हम देखते क्या है, फिगर 1 में कि ये आपका बुक और ये गर्ल्स अलग अलग है, सेकंड फिगर में क्या है इसमें कॉमन आ रहा है, तो क्या बोलेंगे हम इसको, नहीं बोलेंगे। ओके नेक्स्ट करें, 6 करें। एक मिनट का समय आपके पास है। आंसर आगे होंगे सर, लास्ट वाला ए है या डी है? डी है क्या? पांचवे वाले का आंसर जो है, पांचवे वाला डी है आंसर है, फिफ्थ वाला।
अभी आप, अभी आपको शिफ्ट वाला करनी है? सर फिफ्थ ई है ना। नहीं, पांचों के ई क्यों होगा? मैंने समझाया ना अभी आपको ना कि दोनों ही होल्ड नहीं करता ना, ई में मतलब दोनों होल्ड करता है बोथ। ओके ओके अगर आपका ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इसका ऐसे टाइप कर दो कि मतलब बोथ रॉन्ग बोथ राइट, ऐसे टाइप कर दो। अगर आप एबीसीडी अगर आपके हाथ में हो तो ए मतलब पहला सही, बी मतलब खाली सेकंड सही, सी मतलब यहाँ आप दिखा देते हैं आपको मैं दोबारा, ये ए मतलब पहला सही, बी मतलब ओनली सेकंड सही, सी मतलब पहला या सेकंड दोनों में से एक सही है लेकिन श्योर नहीं कह सकते, लेकिन कोई एक सही होगा। डी मतलब दोनों में से कोई भी सही सही नहीं है, ई मतलब दोनों सही है। फिर भी अगर आप भूल जाते हो तो आप स्टेटमेंट से ले सकते हैं आंसर। होप कि आप लोग आंसर आ गया होगा। आप लोग बहुत स्मार्ट बहुत इंटेलिजेंट हो गया सच में, मतलब कोई क्वेश्चन कभी गलत करते नहीं हो, सब सही कर रहे हो, वेरी गुड। मुझे श्योर है कि आप लोग इस सेक्शन में पूरी पूरी नंबर लाओगे, एक भी नंबर वो भी आप बहुत जल्दी लाओगे, मतलब काफी जल्दी सॉल्व कर लोगे, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। सम है आंसर काओ, तो डायग्राम कैसे बनेगा? सम हैंड्स, ये आप बना दो इसको, हैंड्स कर दिए आपने, इसको काव कर दिया, और क्या बोला है? ऑल काव्स आर हॉर्सेस, सम ये आपका हैंड लिख दीजिए, और ऑल काव तो ये आपका ऑल काव हो गया क्योंकि काव अंदर रहेगा। क्या बोला है? हॉर्सेस, ये आपका घोड़ा हो गया। तो क्या बोला है? सम हॉर्सेस आर हैंड्स, सही है, कुछ हॉर्सेस तो आपका हैंड नहीं है, यहाँ जितने पे है वो सब हेन के साथ कॉमन कॉमन आता है। सम हेन्स आर हॉर्सेस, तो ये बहुत मतलब बहुत करेक्ट है। सेवन का डी रश्मि जी, वेरी गुड रश्मि जी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। जो बहुत खुशी है कि आप लोग बहुत अच्छे कर रहे हो, बहुत ही अच्छे कर रहे हो। रश्मि जी एक बार बता दीजिए कि आपने डी कैसे क्या पुष्पा जी, प्लीज मेक माइक अच्छा। रेशमी जी थोड़ा सा बताइए कि आपने कैसे निकाला डी? जी भैया सर सेवन में बोला है सम डॉग्स आर बैट्स, तो सर डॉग्स और बैट्स का दोनों का कॉमन हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने बोला है सम बैट्स आर कैट्स, जो दूसरा डायग्राम बनेगा वो बैट और कैट का बनेगा। फिर जो कंक्लूजन बताया उसमें बोला है सम डॉग्स आर कैट्स, जो कुछ डॉग्स कैट्स हैं बट इसमें नहीं है डायग्राम में। और दूसरी कंक्लूजन है सम कैट्स आर डॉग्स, तो सम कैट्स भी डॉग्स नहीं है, तो डी माना जाएगा, नॉट वन और नॉट टू। ऐसा कोई है जी, क्या सारे लोग इस तर्क से सहमत है? ऐसा कोई है कि आंसर ये मानते हुए भी कोई अलग अलग तर्क देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, क्योंकि रीजनिंग यही होती है, तब आपके अपने दूसरे तर्क भी हो सकता है, अगर किसी के पास है तो आप दे सकते हो। सर इसमें जो डायग्राम बनेंगे वो तो दो बनेंगे ना, एक तो जो रिंग टाइप बनता है मतलब जो वैसा साइन होता है गोल गोल गोल, और एक ट्रायंगल टाइप कुछ बनेगा, सर्कल सर्कल और एक नीचे सर्कल, तो दो फिगर बन जाएंगे शायद इसमें। तो फिगर मान लीजिए उसमें कि किसी में अगर मान लीजिए कि मल्टीपल फिगर बन सकता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन अभी तो आपको मैं इसी क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो दो तीन फिगर बन सकते हैं, किसी किसी फिगर में क्वेश्चन में चार पांच फिगर बनते हैं। अगर एक भी फिगर से आप ये पाते हो कि कंक्लूजन रॉन्ग है तो आप उसको रॉन्ग मानोगे, भले ही मान लो किसी क्वेश्चन में अगर 10 फिगर बनता है, 9 फिगर बताता है कि कंक्लूजन करेक्ट है, एक बताता है कि रॉन्ग है, तब रॉन्ग मानोगे उसको। मतलब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ही होता है, अगर मल्टीपल फिगर बनता है किसी फिगर में अगर ये कंक्लूजन अगर इनवैलिड आता है तो आप इसको इनवैलिड मानोगे, भले ही बाकी सब फिगर में वैलिड मानी जाए। मैंने किया भी था, आप देखो यहाँ पे कई जगह पे इस सब देखो मल्टीपल फिगर से बन रहा है, इसमें मल्टीपल फिगर तो बनते हैं, इसमें तो छोटे क्वेश्चन से इसमें दो ही बनेंगे। हाँ सम जी सर, डॉग, वही वही कंफ्यूजन था बस, कोई बात नहीं। वैसे भी डी डी सही है ना सर इसका। हाँ लेकिन आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए, क्यों सही है आंसर पे ज्यादा मत जाओ, आप उसको एकदम गहराई तक जाओ। सम डॉग से देखिए, आप तो बिल्कुल सही, सर अगर एक आपका आवाज नहीं आ रही थी, मुझे कट रहा था आवाज, फिर से बताएं।
मुझे आपका आवाज नहीं आ रही है, आप मैसेज कर सकते हैं टाइप में। पेट का बी बिल्कुल सही है, मैं इसको बता देता हूँ। सम डॉग्स आर कैट, ये डॉग मान लो और ये कैट मान लो। सम सॉरी बैट है ना, सम डॉग्स आर बैट, ये बैट मान लो इसको। एंड सम बैट्स आर कैट, तो ये भी हो सकता है कैट और ये भी हो सकता है डॉग बैट। डॉग बैट, डॉग हो गया, बैट हो गया, कैट हो गया। हालांकि मैं इसके तीन चार फिगर और भी बना सकता हूँ, लेकिन जरूरत नहीं है, आप खुद बनाओगे जब सर सर आप इसको सॉल्व करोगे। तो बहुत अच्छे आप लोग कर रहे हो। आठवें का आंसर भी आपने बता दिया, आठवें का आंसर में कोई कंट्रडिक्शन है किसी का? सब ने भी बोला। यूटीसी अगर ना इसको पूछना ही बंद कर देंगे, बेचारे परेशान हो जाएंगे, भाई कोई भी तो गलत नहीं करता, सब सही करते तो हमारा पूछने से क्या फायदा। लेकिन आपने लोग बहुत अच्छा किया, आप इसको बहुत ही बहुत ज्यादा अच्छा किया आप लोगों ने, मुझे बहुत खुशी है। अब हम आते हैं थोड़े से आप लोगों के मतलब बेहतर चीजों पे। कोर्स ऑफ एक्शन का ये एक्चुअल जो आपका बनता है इसी से बनता है, मतलब आपका जो पूरा दिमाग जो पूरा दही बनाता है ना, पूरा इसी से बनाता है पूरा कोर्स ऑफ एक्शन में। इतनी बारीक बारीक चीजें होती है इसमें और इसमें बहुत अच्छी चीज होती है पूरा। हमने कल तीन तक किया था ना, हाँ शायद उसके बाद से करते हैं। और आप लोगों में से अगर कोई दूसरे एग्जाम भी कोई कैट का देना चाहता है, कोई मैट या ऐसा कुछ कुछ भी कर सकते, अगर दे रहे हैं सबके लिए कॉमन है, क्योंकि ये चीज हर जगह कॉमन है, चाहे आप नीट का दो या मैट का दो, कैट का दो, कुछ भी दो, क्योंकि इससे आपको लॉजिक को मतलब आपको जज करते हैं। बैंकिंग दो, बैंक पीओ के लिए दो, पीओ के लिए भरो, कुछ भी भरते हो, हर जगह ही कॉमन है। हमने कल बताया था, कहाँ तक किया था, कहाँ तक किया था, हाँ चौथा कर लिया था, निशान वाला बोल गया था। पांचवे से कीजिए आप लोग, और बहुत एकदम इसमें सब कोई कोशिश करो, गलत होने से कुछ नहीं, गलत गलत होने से हम सीखेंगे, सब कोई कोशिश करो। जब आपका लॉजिक सही होगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, गलत होगा तो आप कुछ सीख नया नया कुछ सीखेंगे। एक मिनट का समय है आपके पास, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। मैं ऐसे मैं ऐसे बोल देता हूँ, पैसेंजर ट्रेवलिंग बाय इंडियन रेलवे फेस ए लॉट ऑफ हार्डशिप एंड इनकन्वीनियंस। जो पैसेंजर, हार्डशिप का मतलब कष्ट होता है, जो लोग हिंदी में करना चाह रहे हैं, पैसेंजर जो यात्री जो ट्रेवल कर रहे हैं इंडियन रेलवे से, वो बहुत ज्यादा आपका कष्ट और असुविधा का सामना करते हैं। कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, एफर्ट शुड बी मेड टू स्टॉप ओवर क्राउडिंग इन द ट्रेन। हमें कोशिश करना चाहिए कि ट्रेन में ज्यादा भीड़ ना हो, ओवर क्राउडिंग ना हो। फैसिलिटीज फॉर सेफ एंड प्योर ड्रिंकिंग वाटर शुड बी प्रोवाइडेड, वहाँ पे सुविधाएं देना चाहिए, जो शुद्ध पीने का पानी, साफ और शुद्ध पीने का पानी देना चाहिए। द रेलवे स्टेशन एंड प्लेटफॉर्म शुड बी मेड मोर क्लीन एंड हाइजीनिक। रेलवे स्टेशन और प्लेटफॉर्म जो है ज्यादा साफ और आपका हाइजीनिक होना चाहिए। तो आप इनमें से आपको बतानी है, जो लोग हिंदी में दे रहे वो मैंने उसका अनुवाद कर दिया, एक साथ मैं दोनों को डिस्प्ले नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर फाइव का, फाइव बोल रहे हो, क्वेश्चन हम क्वेश्चन फाइव पर है, ऑप्शन में आप लोग बोल रहे हो, फाइव बोल रहे हो, नॉन ऑफ दिस बोल रहे हो, ठीक है ओके। भावना जी वन बता रहे हैं, डॉक्टर विश्वनाथ काले जी चार बता रहे हैं, पांच का पांच बता रहे, प्रेरणा जी विपिन जी वन बता रहे हैं, ओके।
अभी भी आप लोग जवाब दो, जो लोगों जिन लोगों ने नहीं दिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इसमें आपका ब्रेन बहुत शार्प होता है, बहुत ही शार्प होता है, बहुत ज्यादा शार्प होता है, इसीलिए हर जगह एग्जाम में से पूछे जाते हैं। उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि रेलवे में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है कि आपसे पूछ ले, नहीं है कोई जीके है। चलिए हमारा समय समाप्त हो गया, मैं पूछता हूँ किसी से। पूनम जी आपने वन आंसर दिया, आपने वन आंसर क्यों दिया? आपको फर्स्ट एंड सेकंड सही लगता है? हाँ सर, क्योंकि इसमें बताया हार्डशिप एंड इनकन्वीनियंस उनको ट्रैवलिंग के दौरान हो रही है, यानी जब वो ट्रेन के अंदर रहते तब हो रही है, तो ओवरक्राउडिंग ट्रेन में नहीं होना चाहिए और ड्रिंकिंग वाटर उनको मिलना चाहिए सेफ अंदर। थर्ड जो ऑप्शन है, रेलवे स्टेशन और प्लेटफॉर्म क्लीन रखने चाहिए, इसका मुझे उससे संबंध नहीं लगता ट्रेन के अंदर वाले प्रॉब्लम से। इसमें बोला है कि पैसेंजर ट्रेवलिंग बाय ट्रेन, ट्रेवलिंग बाय इंडियन रेलवे फेस फेसिंग ए लॉट ऑफ फेस ए लॉट ऑफ हार्डशिप एंड इनकन्वीनियंस। कहीं पे भी नहीं बोला है कि ट्रेन के अंदर के बारे में, खाली ये बताया है पैसेंजर जो ट्रेवल करते हैं इंडियन रेलवे से वो बहुत ज्यादा कष्ट और असुविधा का सामना करते हैं। तो ट्रेन के अंदर कहाँ बोला है? जब आप जाते हो ट्रेन के लिए, आप तो प्लेटफॉर्म में भी जाते हो ना, तो प्लेटफॉर्म अगर साफ सुथरा नहीं होगा, वहां पे अगर वॉशरूम सही नहीं होगा, या अगर चोर चोर उच्चे ज्यादा होंगे, अगर कुत्ते अगर गंद कुत्ते जानवर अगर गंदगी करके रखेंगे, तो क्या ये असुविधा नहीं है? यहाँ तो कहीं भी नहीं बोला ना कि इंडियन रेलवे का रेल ट्रेन के अंदर या ट्रेन चलती हुई ट्रेन के अंदर, ऐसा कुछ बोला? कंपार्टमेंट कहीं भी बोला है? हाँ वो नहीं बोला सर, मैंने ट्रैवलिंग ये वर्ड लिया कि नहीं, ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग यानी इसी जगह ना मैम, देखो इसी जगह जो है हम इसको इससे सीखते क्या है कि क्या वर्ड हमें इस्तेमाल की गई है उस वर्ड के अकॉर्डिंग हम कैसा लॉजिक लगाए। ट्रैवलिंग में सारा आता है, आप जब यहाँ पे ट्रैवल करने जाते हो तो आप पहले प्लेटफॉर्म में जाते हो, प्लेटफॉर्म अगर सही नहीं होगा वहां पे अगर किसी का कोई मतलब आपका फास्ट फास्ट एड से लेकर के या बाकी जो जो वृद्ध लोग होते हैं उनको चलने के लिए कई जगह पे हमारे पास अभी भी एक्सीलेटर या लिफ्ट वगैरह नहीं है, तो उनको चलना पड़ता है, तो वो चढ़ के जाएंगे ना, ये सारा ट्रैवल के अंदर ही आता है ना। यहाँ से आप घर से निकले हो, आप प्लेटफॉर्म में पहुंच गए, प्लेटफॉर्म में पहुंचने के बाद आप जहाँ जा रहे हो वहां तक ये पूरा आपका ट्रैवलिंग में आता है। तो जी सर। अगर यहाँ पे ये बोलता कि कंपार्टमेंट शब्द का इस्तेमाल करता, तो आप पूरे ट्रैवल को आप इसमें इंक्लूड नहीं करते, आप खाली आप जो बता रहे थे सही बता रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? ट्रैवलिंग बोला है। तो ट्रैवलिंग में हमें प्लेटफॉर्म में जाना, प्लेटफॉर्म से ट्रेन में चढ़ना, और जहां आप उतर रहे हो वहां के प्लेटफॉर्म की सुविधाएं भी आपको मायने रखता है। सपोज कर आप दिल्ली में जो सुविधाएं हैं वो सर हर जगह पे नहीं है, तो वहां अगर आपको कहीं जाना होगा वहां पे कूलिंग ना मिले या अगर आपको इस तरह की चीजें नहीं मिले तो आपको असुविधा होगा वहां पे भी। तो इन शब्दों पे हमें देखना है कि यह ऑल फॉलो होंगे, चौथा ऑप्शन सही है। आंसर 4। हाँ सही। यहाँ बस इसी में ये जो सिखाना ये चाहते हैं इसने कि आप कितनी ज्यादा फाइनली उसको आप मतलब इवेल्युएट करते हो, उसी से आपका ब्रेन जो है पूरा शार्प होता है। ये जो शब्द है देखो बहुत मिलता जुलता है, रेलवे हमें लगता है कि रेलवे के कंपार्टमेंट की बात चल रही है, लेकिन ये यहाँ पे ट्रैवलिंग वर्ड पे ज्यादा फोकस है। अगर यहाँ पे कंपार्टमेंट वर्ड पे फोकस होता तो आपका बिल्कुल सही था। बाकी सबका आंसर सबको क्लियर होगा, चौथा आंसर जिन्होंने बाकी आंसर दिए हैं चेक कर ले, आंसर चौथा इसमें क्या है आपका? ऑल फॉलो सर। किसी को डाउट हो पूछ सकते हैं, वरना हम छठे में जाते हैं। अगर किसी को कोई डाउट हो पूछ सकते हैं कोई भी चीज इसमें समझ में आता, इसके लिए आपके पास है 1 मिनट। किसी मैं बता देता हूँ इसका हिंदी में, द प्रॉब्लम ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड्स हैज स्टिल नॉट डिसअपीयर्ड फ्रॉम आवर सोसाइटी। जो भ्रूण हत्या है, जो लड़कियों को जो गर्भ में जो मार दिए जाते हैं, ये अभी तक हमारे सोसाइटी से बाहर नहीं गया है, मतलब खत्म नहीं हुआ है। कोर्स ऑफ एक्शन इसमें क्या होना क्या चाहिए इसमें?
भ्रूण हत्या मतलब आपका जो ये जो शब्द शब्द आपका जो है इन्फेंटिसाइज मतलब क्या होता है, भ्रूण हत्या होता है कि इसमें आपको ऑप्शन दिया है, सीवियर पनिशमेंट शुड बी गिवन टू दोज हु इंक्लूड इन द फीमेल इन्फेंटिसाइड। आप समझ गए होंगे उनको बड़ा भयंकर कठिन दंड देना चाहिए जो इस तरह की हरकतों में शामिल होते हैं। एफर्ट शुड बी मेड टू इरेडिकेट इलिटरेसी, अशिक्षा को खत्म करने के लिए हमें काम करना चाहिए। चाइल्ड लेबर शुड बी बैंड, चाइल्ड लेबर को बैन करना चाहिए। छठे के लिए टू दे रहे आपसे आंसर, ये आसान था ना फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि चाइल्ड लेबर से कोई मतलब ही नहीं है। चाइल्ड में लड़का भी आता है, लड़का भी लड़की भी आते हैं, सारा कुछ आते हैं। तो एफर्ट शुड बी मेड, यह है ही क्योंकि हमें अंधविश्वास और कई चीजों के लिए हमें ऐसा करते हैं। और पनिशमेंट एक खुद है क्योंकि जितना कठिन पनिशमेंट होगा, चाहे वो आर्थिक पनिशमेंट हो या किसी और तरह से हो, तो कम आएगा। तो आपने बिल्कुल सही बताया, बी आंसर बिल्कुल सही। का कितना करीब पहुंचे ना, इसी को चाहिए। और सेवन पे लिखीजिए, अगर कोई भी है जिनको ये आंसर से सेटिस्फाई, अगर नहीं है बी आंसर से, डिस्कस कर सकते हैं, हम इसको इन पे चर्चा कर सकते हैं। अगर किसी को लगता है कि, या किसी को अगर नहीं समझ आया तो भी चर्चा कर सकते हैं। तो बिल्कुल सबने सही सही आंसर, आप तो मैक्सिमम लोग सब सही देते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मेरा सब मतलब परिश्रम सफल होगा मेरा। सातवा करें, सर इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है? मुद्रा स्फीति मुद्रा मतलब क्या प्रसार, होता है? मुद्रा स्फीति का मतलब क्या होता है सर? मुद्रा स्फीति मतलब जो आपके इकोनॉमिक्स में होता है ना, कि आपका जो पैसे का वैल्यू, जो आपका आपका जैसे हमारा डॉलर, पहले डॉलर था 1 रुपए में 1 डॉलर था, अब हमारा डॉलर का 1 रुपए में हमारे कितना 70 रुपए 80 रुपए हो रहा है, तो क्या और ये हमारे वैल्यूज घटती जा रही ना, जी, मतलब हमसे वो 70 गुना ज्यादा मतलब धनवान है, अगर 70 रुपीज होता है तो। हम आंसर चेक करते हैं आप लोगों ने क्या क्या आंसर दिया, बोले आपको सही आंसर दिए होंगे। आप लोग सातवें का आंसर कीजिए, एफर्ट शुड बी मेड टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ दिस, इसका कारण जानने की हमें कोशिश करना चाहिए। फिजिकल डेफिशिएट शुड बी कंट्रोल्ड, ये जो आपका जो ये डेफिशिएट हो रही है, जो हमें घाटा हो रहा है, ये हमें कंट्रोल करना चाहिए। स्पेशल एफर्ट शुड बी मेड टू मेड टुवर्ड्स ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी, तो इसमें हमें विशेष तरह से हमें कोई मतलब ये टेक्नोलॉजी टेक्निक्स का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो ऑब्वियसली फर्स्ट एंड सेकेंड ही आपको होल्ड करेगा, थर्ड से कोई मतलब नहीं है इसका। तो फर्स्ट एंड सेकंड आपका ऑप्शन टू सही है, बाकी लोगों ने ऑप्शन दे ही दिए होंगे जी। आठवां करें, इट इज र्यूमर डैट देर इज ए बॉम्ब इन द राजधानी, क्या राष्ट्रपति भवन, ओके okay. ये एक अफवाह फैला हुआ है कि राष्ट्रपति भवन में बम है। कोर्स ऑफ एक्शन क्या करना चाहिए, द प्रेसिडेंट शुड बी एस्कॉर्टेड टू ए सेफ एरिया, प्रेसिडेंट को जो है एक सुरक्षित जगह में जाके बचा लेना चाहिए। अ प्रॉपर सर्च ऑफ बॉम्ब शुड बी कैरियड आउट, बम के प्रॉपर खोज भी होना चाहिए। नो अटेंशन शुड बी पेड टू सच बेसलेस र्यूमर, इस तरह के बेसलेस अफवाह पे कोई ध्यान देने नहीं देना चाहिए। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग आराम से कर लोगे।
ऑब्वियसली आंसर इसका 5 फीट तो आंसर होगा इसका। एक्सेक्टली मीनाक्षी जी, थर्ड तो नहीं होगा, आपने थर्ड क्यों लिखा? आपने गलती से लिखा कि आप सही सच में थर्ड ही थर्ड की जगह गलती से ये मैंने देखा। दोनों ही होंगे, क्योंकि इसलिए दोनों होंगे, कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट अगर है तो ऐसा कुछ भी अगर होता है पहले उनको सेव करो, उसके बाद देखा जाएगा कि सही था कि गलत था। साइंस करें बहुत उम्मीद है आप लोगों से, आप लोग बहुत अच्छे करके डाल लाओगे, तो दिख भी रहा है। अब मैंने ग्रुप पे जो भेजा है उसके आंसर शीट भेजने की जरूरत है क्या? आप देखो बिना आंसर शीट के जब करते हो तो कितना ज्यादा अच्छा लगता है, फील आता है कितना अच्छा कि आपने कर सके। आंसर शीट में एक तरह से वो नहीं आता, इसलिए मैंने बोला कि क्लास में कराऊंगा, आप जिसको नहीं समझ आएगा वो भी क्लियर हो जाएगा। कितनी अच्छी है, एक्सेप्ट क्रिकेट आवर स्पोर्ट्समैन हैव फेयर बैडली इन द इंटरनेशनल इवेंट्स। खाली क्रिकेट के अलावा हमारे जो खिलाड़ी हैं उनका प्रदर्शन अंतरराष्ट्रीय इवेंट में बहुत ही खराब था, ये आपका स्टेटमेंट है। कोर्स ऑफ एक्शन में क्या है? ऑल स्पोर्ट्समैन एक्सेप्ट दोज एसोसिएटेड विद क्रिकेट शुड बी स्टॉप्ड फ्रॉम गेटिंग एनी इंसेंटिव्स। सारा स्पोर्ट्समैन, सारा खिलाड़ी खाली क्रिकेट वगैरह को छोड़ करके उनको जो इंसेंटिव दी जाती है उसको उसको बंद कर देना चाहिए। स्पेशल प्रमोशन ड्राइव शुड बी मेड टू द एनकरेज स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स को ज्यादा एनकरेज करने के लिए, प्रमोट करने के लिए हमें खास तरह के प्रमोशन देना चाहिए, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे किसी और या कोचिंग के रूप से हो, किसी और तरह से हो। इंटरनेशनल कोचिंग शुड एंड टेक्नोलॉजी शुड बी मेड अवेलेबल टू आवर स्पोर्ट्समैन, हमारे खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय कोच और तकनीक जो टेक्नोलॉजी है वो अवेलेबल होना चाहिए। आप क्या बोलते हो, क्या होना चाहिए? सारे लोग ने फोर्थ दिया। प्रेरणा जी सेकंड और थर्ड, सेकंड एंड थर्ड मतलब आप फोर्थ ऑप्शन में देना चाहते हो ना, सेकंड और थर्ड मतलब फोर्थ नहीं गया, वेरी गुड। अच्छा आप में से कोई बताए आपने थर्ड बोला, सुषमा जी आप थर्ड बता रहे हो, वेरी गुड, ऑनली थर्ड फोर्थ। आप में से कोई बताया कि फर्स्ट क्यों नहीं होगा, कौन बताना चाहेंगे कि फर्स्ट क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनकी गलती नहीं है क्रिकेटर्स की, क्रिकेटर्स को तो मिलना ही चाहिए इंसेंटिव, वो भी एक तरीके का स्पोर्ट ही है, स्पोर्ट ही है, तो इस वजह से उनका कोई गलती नहीं है उसमें, तो उनको मिलनी चाहिए इंसेंटिव। देखो आंसर सही है लेकिन आपके लॉजिक सही है क्या? आपको ये आप ये कह रहे हो कि क्योंकि उनका गलती नहीं है तो उनके मिलने चाहिए, ये बता रहे हो आप नहीं सर, एक्चुअली मेरे कहने सही। का मतलब है कि जो लोग एसोसिएटेड है क्रिकेट से उनको भी इंसेंटिव मिलना चाहिए, इसको लिखा है नहीं मिलना चाहिए, तो वो भी एक स्पोर्ट्समैन है तो उन्हें तो मिलना चाहिए ऑब्वियसली। मतलब सर वो गलत प्रदर्शन करे चाहे अच्छा, उनको प्रोत्साहन तो देना ही चाहिए। ओके अच्छा सर, आप कहना चाहते हो कि मोटिवेशन है एक्चुअली क्या है, इसका आंसर क्या होगा? ये तो ये वन तो आपका जो बता रहे आंसर सही है लेकिन इसका जो लॉजिक है इसलिए है कि एक एक्सट्रीम केसेस है, मतलब किसी को सबको बंद कर देना वो एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम केस हम तभी करते हैं जब बहुत बड़ा कुछ होता है, तो नॉर्मली हम एक्सट्रीम केस नहीं करते हैं। उनको प्रमोशन देना चाहिए कि नहीं देना नहीं देना चाहिए, इसमें हम बहुत थोड़ा सा सिंपैथी लेके नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे बहुत बार देखा गया है कि उनको सारा कुछ देने के बावजूद जो है वो इस तरह का एफोर्ट नहीं करते करते जिस तरह से करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे मैचेस बहुत सारी जगह भी ऐसा भी मिलता है। तो और ऐसा नहीं है कि हमारे कंट्री में सारे चीजों पे इग्नोर की जाती है, खाली क्रिकेट को देखा जाता है, देयर बहुत कुछ जाता है, लेकिन हमारे खिलाड़ियों को भी है कि वो आप कितना कर सकते हैं। जैसे कि
क्लास में सब बच्चों को एक ही तरह से पढ़ाया जाता है, लेकिन कौन बच्चा कैसे करता है उसके अपने खुद खुद के मेहनत पर भी डिपेंड करता है, ये भी चीजें हैं। लेकिन हम बहुत एक्सट्रीम नॉर्मली लेते नहीं है। अब जैसे मान लो कि अगर कोई एक केस में अगर किसी पुलिस मैन ने कुछ रिश्वत लेके कुछ काम किया है, या कोई जज ने अगर कुछ मतलब रिश्वत लेकर कुछ गलत फैसला सुनाया, अगर ऐसा कुछ कभी आता है तो हम कोर्ट को ही बंद कर देंगे, या आपका पूरा जितना हमारे जो धाराएं हैं उस धारा को ही रिमूव कर देंगे। तो ये नहीं करते क्योंकि बहुत एक्सट्रीम केस होता है, एक्सट्रीम केस को हम अवॉइड करते हैं। इसका मेन लॉजिक ये है कि बहुत एक्सट्रीम केस है, ये लॉजिक नहीं है कि उनको हम सांत्वना के बल पे या उनको प्रमोट करने के लिए हम दे दें। हमें उसमें जांचना होगा कि हमारे जो कमियां क्यों हैं, क्या ये बाय चांस हुआ, या एक्चुअली हमारे जो प्रॉपर कोच नहीं है, या खिलाड़ियों के अपने मतलब उनको कोई वो नहीं है ज्यादा, उनकी गलती है। आप ऐसे भी देखोगे कि ऐसे बहुत बार आया हुआ था कि पूरा टीम के साथ उनके फैमिली मेंबर्स भी जाते हैं बाहर, आपका जब आपका कहीं भी ऐसा कुछ होता है तो बाहर हमारे कोई कुछ स्पोर्ट्स वगैरह होता है तो उनको भी आपका जो पैसा सरकार की तरफ से कभी कभी आ जाते हैं। ऐसे में बहुत बार आपका पेपर वगैरह में आया था, इसलिए पूरा ये अलग बता जाती है कि उसको ना देने के पीछे का रीजन क्या है। रीजन यहाँ पे ना होने का रीजन ये है कि एक्सट्रीम केस है, एक्सट्रीम केस का हम अवॉइड करते हैं। इस तरह के जो कोशिश में ही होता है कि आंसर में हम पहुंच भी जाते हैं, लेकिन तब भी जो लॉजिक इसमें हमें अलग अलग आता है। ओके, टेंथ पे आइए। क्वेश्चन 10, सर क्या था उसका सही उत्तर? तो आंसर जो आपने दिया आंसर सही था, खाली ये जो बता रहा था मैं कि ये आपने जो आंसर दिया था जो ग्रुप में जो आंसर आया एकदम सही आंसर आया है, ऐसा में गलती नहीं है। लेकिन ये जिस कारण से आप बता रहे हो कि ये पहला जो था आपका नाइन फर्स्ट वाला कि ऑल स्पोर्ट्समैन शुड बी स्टॉप फ्रॉम गेटिंग देयर इंसेंटिव, इसको इंसेंटिव आपका नहीं देना चाहिए, ये गलत है, एक्चुअली गलत है। लेकिन गलत क्यों है उसको मैं समझा रहा था कि क्योंकि एक्सट्रीम केस है, एक्सट्रीम केस नॉर्मली लेते नहीं है। और जिस वजह से आप तो बता रहे थे कि उनको वो भी स्पोर्ट्समैन है उनको भी पैसा देना चाहिए क्योंकि उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, तो फिर आपको ये जांचना पड़ेगा कि उनका कमियां कहाँ पे था। अगर उनके कोई कमी नहीं था बाय चांस होकर, क्योंकि खेल तो खेल होता है, तब तो ठीक उनको देना चाहिए। लेकिन पता चलता है कि उनका प्रैक्टिस कम था, उनको सब कुछ देने के बाद भी वो अगर ठीक से जिस तरह से उनको प्रैक्टिस करना चाहिए उन्होंने नहीं किया, या उन्होंने कुछ इलीगल कुछ चीजों का इस्तेमाल किया, तो उस समय तो उसका उनका आप प्रमोट नहीं कर सकते ना। इसलिए बता रहा था कि उस हिसाब से वो सही नहीं है। सही इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये एक्सट्रीम केस है, बहुत एक्सट्रीम केस है कि आप किसी को मतलब अगर खराब एक बार दो बार हो जाता है तो आप इसको पैसा मतलब देना बंद करते हैं, बहुत एक्सट्रीम केस है इसलिए नहीं लेते इसको। बाकी सेकंड और थर्ड मिला के आपका सेकंड और थर्ड फॉलो करता है, जो ऑप्शन फोर सही है, जिन्होंने दिया आंसर सबसे सही दिया है। टेंथ करें, टेंथ हमारा फिर हम पेपर में जाएंगे। 10 का 2, क्वेश्चन 10। आप लोगों का इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छी हुई है, लेकिन मुझे लॉजिक भी जानना है। 10 का 2 सब दे रहे, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मैं किसी एक से पूछता हूँ, देयर हैव बीन इंसेंट रेन इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, चांसेस ऑफ हेवी फ्लड आर नॉट बीइंग रूल्ड आउट, द आर्मी शुड बी गिवन ए नोटिस to be on the alert, precaution measures to be taken, north eastern part of our country should be disconnected from the rest of India. तो obviously first और second सही है, और option 2 सही है। ऐसा कोई है नहीं है जो ऑप्शन 2 से असहमत हो, सब सहमत है भाई, ऐसा तो कोई होना चाहिए ना जो सहमत नहीं है, लोकतांत्रिक देश है, कोई तो असहमत हो, सब सहमत है, चलो बिल्कुल सहमत है। ओके, बहुत अच्छा है, मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा। हम थोड़ा सा जो हमने किए हैं अभी थोड़ा प्रैक्टिस किया हमने, कुछ पास्ट पेपर करेंगे, हम देखेंगे पास्ट पेपर के क्वेश्चन कि हम कितना कर पाते हैं जितना हमने सीखा अभी तक, उसके बाद उसके बेसिस पे इसका होना बहुत ज्यादा जरूरी था, तो हमने ये आपको समझाना, ये इसका क्वेश्चंस करना, तो हमने 2-3 दिन दिया इसमें, फिर आगे हम अगला और भी प्रैक्टिस देंगे उसको करेंगे हम। आप लोग करो,
79 करो। ओके आप लोगों को दिख रहा होगा। यही है, ऑल बैट्स आर मैमल्स, मतलब स्तनधारी, नो बर्ड्स आर बैट्स, बैट्स तो आपको बतानी है कौन सा सही है। कोर्ट में आपका आंसर दिया है, कोर्ट मतलब ये आपका जो हमने किया था वही कोर्ट के रूप में दिया है। इसमें ए बी सी और डी आपके पास चार कंक्लूजन है। ये 2017 का क्वेश्चन था, नवंबर 2017 में पूछा गया था ये नेट के एग्जाम में। ये एग्जाम पेपर है, पेपर है नेट का। वेरी गुड, अब आप इसको करके देख करो 79 आपके तक सही करते हो, क्योंकि आपका रियल नेट का पेपर है जो 2017 में आया था। क्वेश्चन नंबर 79 मेरे ख्याल से सबको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा बड़ा कर दूं। आंसर आ जाना चाहिए अब तक। बताएं आंसर कितने होंगे, आप लोग कोशिश करें। सेवेंटी नाइन में क्या बोलेंगे आप लोग, ए बी सी डी चार ऑप्शन दिया हुआ है, आप किसके साथ जाएंगे? मेरे मैसेज नहीं आया, बनाओ कोशिश करो आप लोग, डायग्राम बनाओ, अभी तक किया था ना वेन डायग्राम गोल गोल बना करके उसका ऐसे करो। मैं कर दूं, डायग्राम बना लिया था, आंसर करो कोशिश करो। ए बी सी डी डी में जो भी आपको सही लगता है टाइप कर दो। सी अकॉर्डिंग टू डायग्राम सी बता रहे हो, ठीक है। और बाकी थर्ड ऑप्शन सही लगता है, थर्ड मत करिए आप, एबीसीडी करिए, क्योंकि इसमें एबीसीडी ये आपका जैसे नेट ने दिया है वैसे आंसर। तो मान लो कि आप नेट का एग्जाम दे रहे हो बैठ के, क्योंकि पेपर नेट का ही है, 2017 का नवंबर नवंबर के 2017 का पूछा गया था क्वेश्चन, ये बहुत रिसेंट रिसेंट पेपर है ये। आप बताओ एबीसीडी में क्या कहाँ कहाँ जाना चाहते हो? सी सी नॉट क्लियर, प्रेरणा जी आप सी क्यों आंसर दिया आपने? पूनम जी को कंफ्यूजन है, अभी बता रहा हूँ। सही, किरण जी भी कह रहे हैं, ठीक है। सर एक बारी क्वेश्चन, एक बारी क्वेश्चन देखा सर, इसमें जैसे बताया गया ना ऑल बैट्स आर मैमल, तो बैट्स बैट्स तो अंदर बन जाएगा, मैमल्स का जो सर्कल बनेगा ऊपर बनेगा बैट्स के ऊपर। नो बर्ड्स आर बैट, इसमें बोला गया नो बर्ड्स आर बैट, कोई भी बैट जो है वो बर्ड नहीं है, बट ये नहीं बताया गया कि कोई भी मैमल जो है वो बर्ड नहीं है। तो या तो ये सर्कल जो है वो मैमल के साथ कनेक्ट होके बनेगा बर्ड का, या फिर बिल्कुल अलग बनेगा। तो इस वजह से मेरे को लगा सिर्फ एक ही ऑप्शन जो है नो बैट्स आर बर्ड्स, ये एकदम क्लियर है, तो इसलिए सी बोल दिया मैंने। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, एक्सेलेंट, ओके वेरी गुड। कंफ्यूजन में कुछ नहीं है, आपने बहुत कंग्रेचुलेशंस, आपने बहुत अच्छा किया, रियली काफी अच्छा लगा। इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, ये बैट हो गया और ये मैमल हो गया, और क्या बोला है नो बर्ड्स आर बैट, तो बर्ड हमारा बाहर हो सकता है, एक कंडीशन ऐसा हो सकता है। दूसरा कंडीशन दूसरे में यही फिगर बनेगा,
और शर्तों को पूरा रखते हुए हम ऐसा कर सकते हैं कि यह भी बन सकता है। तो दोनों ही केस में क्या है आपका, यह बर्ड है ठीक है, ये नो बर्ड्स आर बैट्स, ये बर्ड है, दोनों ही केस है। अंदर वाला जो है आपका बैट है, ये बैट मान लीजिए। तो दोनों ही केस में क्या है, नो बैट्स आर बर्ड है, दोनों ही केस में आपका सही होता है, तो सी वाला ऑप्शन सही है। सबको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, ऐसा ऐसा तो कोई नहीं है जिनको जिनको क्लियर नहीं हुआ। वेरी गुड, आप कीजिए। आप देख रहे हो कि आपका कैसे क्वेश्चन एक दो साल पहले का पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, जो हमने अभी पढ़ा हमने उसके आधार पे आप कर भी पा रहे हो। इसमें आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको ऑब्वियसली। आप जुलाई 9, या आप देखो 18 में पूछा गया था, इसका करो 84। अच्छा गिवन भी लो, आपका आप पढ़ लो, इसमें कुछ नहीं है। तो आज के चार कंडीशन जो ही है जो हमने बोल चुके थे, मोस्ट ऑफ द डांसर आर फिजिकली फिट, ज्यादातर जो डांसर होते हैं वो फिजिकली फिट होते हैं। मोस्ट ऑफ द सिंगर आर डांसर, ज्यादातर सिंगर जो है वो डांसर भी है। कंक्लूजन अब चार है, मोस्ट ऑफ द सिंगर आर फिजिकली फिट, ज्यादातर जो आपका गायक होते हैं जो सिंगर है वो फिजिकली फिट है। मोस्ट ऑफ द डांसर आर सिंगर, ज्यादातर डांसर जो है सिंगर है। मोस्ट ऑफ द फिजिकली फिट पर्सन आर डांसर, ज्यादातर जो फिजिकली फिट है वो डांसर भी है। मोस्ट ऑफ द फिजिकली फिट पर्सन आर सिंगर, ज्यादातर जो फिजिकली फिट है वो सिंगर भी है। आपको ए बी मतलब ये कोड है, कोई दो इसमें मल्टीपल सही है, ए बी सही है कि बी सी सही है कि सी डी सही है कि डी ए सही है। एट्टी फोर का बी बी नेट वाले को भी आप लोग नहीं छोड़ोगे, उसको भी आप लोग एकदम सही सही करके दिखाओगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा, ये हुई ना बात, सिंगर हो जाएगा ये और ये डांसर हो जाएगा आपका आपका, और ये आपका हो जाएगा फिजिकली फिट। तो ऑब्वियसली मोस्ट डांसर आप देखते हो, मोस्ट ऑफ द डांसर सिंगर, ये कॉमन पार्ट आता है। और सी में क्या है, मोस्ट ऑफ द फिजिकली फिट पर्सन आर डांसर, ये यहाँ पे आपका कॉमन पार्ट आता है, यहाँ पे आपका कॉमन पार्ट आता है। तो क्या हो जाएगा, बी और सी आपका दोनों सही होगा, तो ऑप्शन बी सही है। ऐसा तो कोई नहीं जिनको जिनको क्लियर ना हो, सबको क्लियर है। वेरी गुड, हमने देखा एक क्वेश्चन और कर ले, टाइम है हमारे पास, 1 मिनट तो है, हो जाएगा 86 मिनट। पर ये मोस्ट का मतलब क्या होता है, ये क्या लगता मोस्ट ऑफ द डांसर्स, तो ये शेयरिंग एरिया जो है ऐसे थे, ऐसे थे, इसका मतलब वॉल्यूम तो समझ में नहीं आता है ना। मोस्ट मतलब सम, मोस्ट मतलब मोस्ट ऑफ सिंगर मतलब कुछ सिंगर फिजिकली फिट है, इसका मतलब ये होगा। ये सब ओके ओके, आप 86 पे करें करें, ये शब्दों का हेर फेर है, इसलिए मैं आपको पेपर से करा रहा हूँ कि आप पेपर को समझे। मोस्ट हो या सम हो, एक ही मतलब होता है। 86 लास्ट क्वेश्चन है आज का। एटी से जब आप कर रहे हो, दिसंबर 2018 का पेपर ऐसे कर रहे हो, इंग्लिश नेट। जिनका भी कोई डाउट है पूछ सकते हैं। और अपने आप पे आप आत्मविश्वास से भर सकते हो कि आप कितना अच्छा कर रहे हो, मैक्सिमम आप लोग सब सही सही आंसर दे रहे हो और कितना बेहतरीन कर रहे हो।
कल मैं रीजनिंग का दूसरा चीज बताऊंगा। आज तक 2-3 दिन मैंने किया इसका से क्या तो क्लियर है। क्या आंसर देंगे? डी है, डी आंसर गलत है। हमारे पास समय की कमी है, मैं डायग्राम बना देता आपको 86 के 86 के लिए। ये आपका ऐसे बनेगा, ये बैट मान लो और ये नबल मान लो। क्या बोला है? ऑल बैट्स आर मैमल्स, सम बैट्स आर मैमल, सम बैट्स आर नॉट मैमल, नो बैट्स आर मैमल्स। चलो मैं टाइम खत्म हो गया इसका, हम कल इसको डिस्कस कर लेंगे क्योंकि हमारा 9:31 हो गया है, हमें एंड करने पड़ेंगे यहाँ पे। सर करवा दो, हो गया, 2 मिनट ही तो लगेंगे। इसको समझाने पड़ेंगे ना सारे, क्योंकि टाइम ओवर हो गया, फिर अभी रिकॉर्डिंग में दिक्कत हो जाएगी फिर। ठीक है सर, ठीक है, कल करा देंगे इसको। तो हम शांति पर करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं बता दूं इसका आंसर सी डी नहीं था, इसका आंसर ये था, लेकिन कैसे ये था मैं कल अगले क्लास में बताऊंगा इसको। इसका आंसर जो है वही था। हेलो सर। हेलो, हाँ बोलिए। सर बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, तो आपने 84 के बाद दूसरा क्वेश्चन कराया क्या? 84 के बाद मैं नहीं, 86 में बता रहा था, लेकिन हमने उसको रोक क्योंकि हमारा टाइम खत्म हो गया था, इसलिए हमने इसको स्टॉप कर दिया। 86 में अगले क्लास में बताऊंगा, मैं शुरू किया था लेकिन टाइम खत्म हो गया था। और सर 84 का बी ऑप्शन था क्या, बी और सी? क्योंकि आंसर ना सुनने था। हां 84 का बी था। ओके सर, थैंक यू सर। आप सबको शुभ रात्रि, आप सबका दिन मंगलमय हो, आप सबका प्रणाम।